बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे इस ऊपर दर्शाए गए सारे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और हमारे स्वाभिमान संघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी समाज के दिल्ली और देश के कोने कोने से आए हुए बाबा साहब के सिपाहियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाय। अभी कल एक और खुशी का दिन है, कल महार रेजिमेंट डे है और अभी शाम को यहीं से मुझे 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट जाना है क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बहुत बड़ा महार रेजिमेंट डे पे आयोजन होता है। तो एक तो सबको महार रेजिमेंट डे की भी बधाई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अब हमारे समाज के लोग किसी पॉलिटिकल नेता के पिछलग्गू नहीं रहे, अब गर्दन पकड़ के उनसे काम लेना सीख गए हैं। ये जो रिजर्वेशन है इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जो लोग जीत के जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कम्युनिटी को और अगर वो जीतने के बाद वहां जाके समाज के दुख दर्द को नहीं उठाते तो समझिए कि वो देश के साथ, अपने समाज के साथ, बाबा साहेब के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आज इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि देश इतना तरक्की कर गया, दुनिया ने इतनी तरक्की की है, लेकिन क्या तरक्की में हमारे समाज को कुछ हिस्सा मिला? हमारे समाज के लोगों के पास खेती की जमीन नहीं है, इंडस्ट्रीज में हमारा समाज कहीं भी नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन है जहां लाखों करोड़ पैदा होता है, कोयले की खान, पत्थर की खान, तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खाने, नदियों से होने वाला उत्खनन, पर्वत से होने वाला उत्खनन, जंगलों से होने वाला उत्खनन, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो प्राकृतिक संसाधन है क्या कोई उसे अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? लेकिन उसके बाद भी चंद लोगों का पूरे संसाधनों पर कब्जा है। 4000 साल की गुलामी को बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आजादी दिलाई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कितने दिन तक ये रिजर्वेशन चल पाया? जो शिक्षा के रास्ते हमारे लिए बंद थे, जो संपत्ति अर्जित करने के रास्ते धार्मिक आधार पर बंदिश लगा के हमारे लिए बंद थे, उसको बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष के बाद बाबा साहेब ने खुलवाया। लेकिन चंद सालों के बाद इन्होंने जिस तरह पब्लिक स्कूल खोलने शुरू किए, प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खोलने शुरू किए जहां लाखों रुपए फीस है, क्या हमारे समाज के बच्चे लाखों रुपए की फीस दे पाएंगे? तो हमारे समाज का विकास कैसे होगा? और ऊपर से इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, उन्हें लगा कि नौकरियों में आ गए लोग, बोलने लगे हैं, अपने हक की बात करने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपनी हक की बात करना कोई बुराई है? क्या काम के बदले में पैसे मांगना कोई बुराई है? अगर हमारी मां बहनों की इज्जत लूटेगी, हमारी भाइयों को कत्लेआम किया जाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? हम अगर भारत बंद करते हैं तो पुलिस के द्वारा कत्लेआम किया जाता है, हमारे लोगों को गोली से भून दिया जाता है, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता, हमारे युवाओं को झूठे मुकदमे बना के जेल में डाल दिया जाता है। ज्यादा दिन तक अभी इस शोषण को ज्यादा दिन हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा समाज लड़ने के लिए तैयार है, अपने हक के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, शायद इसलिए स्वाभिमान संघ बना। ये स्वाभिमान की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। हमारे बुजुर्गों ने हमें यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे शिक्षा के रास्ते हमारे लिए दोबारा से बंद हुए, धीरे धीरे ठेकेदारी प्रथा लागू करके नौकरियों में जाना हमारा बंद हो गया। आज हमारे बच्चे, लोग कहते हैं रिजर्वेशन में आ गए, जीरो नंबर पर नंबर आ गया, झूठा, एकदम झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा है। अगर आप रिजल्ट निकाल के देखें, जो लोग कहते हैं जीरो नंबर पे नंबर आ गया MBBS में, कोई आंकड़े लाके तो दिखा दे। फर्जी फेसबुक पे अकाउंट बनाकर डाल रहे हैं कि जीरो नंबर पे MBBS में नंबर आ गया। मैं ऐसे आंकड़े दिखाने के लिए तैयार हूं कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से MBBS और MD करने के बाद हमारे युवा बेरोजगार हैं।
हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो MBBS और MD करने के बाद अपने मेडिकल कॉलेज खोल सके या अपने हॉस्पिटल खोल सके या अपने नर्सिंग होम खोल सके। वो तो छोड़ दीजिए, छोटा सा एक क्लिनिक खोलने के लिए पैसे नहीं है। MBBS MD करने के बाद भी नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम में घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बदनामी कि 0 नंबर पे नंबर आ गया। ये बेईमानी है, कोई भी सिविल सर्विसेज के आंकड़े उठा के देख ले। जैसे पिछले साल JEE मेन के अंदर 360 में से 360 नंबर लाके हमारे एक बच्चे ने इतिहास रच दिया, आज तक कोई नहीं कर पाया। पिछले साल सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल की उम्र में टीना डाबी ने पूरे ऑल इंडिया सिविल सर्विस को टॉप करके योग्यता साबित की। और इस साल भी जो तमिलनाडु के जिस बच्चे ने IAS टॉप किया है वो वहां पे SC की कम्युनिटी में आता है। आंकड़े सामने हैं, जब जब मौका मिला हमने अपनी योग्यता साबित की। बाबा साहेब को मौका मिला तो भारत का संविधान रच डाला, योगेंद्र प्रसाद मंडल को मौका मिला तो योगेंद्र प्रसाद मंडल ने पाकिस्तान का संविधान रच डाला। इसका मतलब हमारे समाज के बारे में योग्यता पे प्रश्न मत लगाना, हमारी योग्यता का मुकाबला कोई ठहरता नहीं है। जब जब हमें मौका मिला है हमने अपनी योग्यता साबित की है। एक और उसका एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग पहले से ही कौशल में परिपूर्ण रहे हैं, पैदाइशी कौशल हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हम लोग बहुत अच्छा खूबसूरत जूता बना सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, जो इमारतें हमारे पूर्वजों ने बनाई वो 500 साल से भी खड़ी है, और जो आज इनके काबिल योग्य इंजीनियर बना रहे 50 साल में गिर के धराशायी हो जाती है। इनके लोगों के बनाए हुए बड़े बड़े फ्लाईओवर गिर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता दो, कोई एक एग्जाम्पल कि किसी डॉक्टर के द्वारा किए गए ऑपरेशन में अगर पेट के अंदर कोई चीज छूट जाती है एक भी डॉक्टर सुरक्षित रहा हो। एक बता दो कोई एक, अगर हमारे डॉक्टर से गलती हुई होती तो ये सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचार कर देते, देखो रिजर्वेशन से आ गए, पेट में ये छोड़ दिया ऑपरेशन में। एक इंजीनियर बता दो, हमारे समाज के इंजीनियर ने किसी पुल को बनाया हो, किसी बड़े फ्लाईओवर को बनाया हो और वो गिर गया हो, अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत प्रचार होता। तो मैं ये कहना चाहता हूं स्वाभिमान संघ के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, बाबा साहेब के चरणों में, बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, हमारे समाज में योग्यता की कोई कमी नहीं है। आप मौका दीजिए, हम योग्यता साबित करेंगे। और चूंकि ये मंच कोई लंबे भाषण का नहीं है, ना ही पॉलिटिकल मंच है, ये एक सामाजिक मंच है, और इस सामाजिक मंच पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक निवेदन करूंगा, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। जय भीम। तो लास्ट में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता है 2 लाइन गा के, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम सारे टीम गाए तो फिर मजा आए। एक लाइन मैं दोहराऊंगा, एक लाइन आप दोहराएंगे। गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, गरी हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मो सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, गरी हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जय भीम, जय भारत, नमो भारत।